और खबर इस वक्त लखनऊ से ही मिल रही है, जहां प्रदेश प्रभारी ओम माथुर केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं। सुनील बंसल संगीत सोम लखनऊ पहुंचे हैं। 5 बजे से शुरू होने वाली विधायक दल की बैठक, तो इस बैठक में शामिल होने के लिए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। तो संगीत सोम से भी बातचीत भी हमने आपको सुनाई थी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल नहीं है और कोई भी अभी मुंह से नाम नहीं ले रहा, जुबान से नाम नहीं ले रहा। जाहिर सी बात है औपचारिक ऐलान होगा, बैठक की औपचारिकता पूरी जरूर यहां पर की जाएगी। हालांकि कहा यह जा रहा है कि नाम तय हो चुका है, तो अब ऐलान जब होगा बैठक के बाद तो वो हम आपको बताएंगे औपचारिक तौर पर। तो फिलहाल जो विधायक हैं वो पहुंचने लगे हैं लखनऊ, और उस लगभग घंटे भर बाद की बैठक शुरू होनी है। इसमें बीजेपी कौन यहां पर मुख्यमंत्री होता है ये तय करेगी, और इसके लिए बैठक में शुरू होने में बस घंटे भर का ही वक्त बच गया है। लखनऊ में बीजेपी विधायक दल की बैठक अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है, और इस मीटिंग में भाग लेने के लिए जो तमाम विधायक हैं जो चुनकर आए हैं वो यहां पहुंच रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ पलिया से विधायक रोमी सानी हैं। सर ये बताइए, तमाम कयास लगाए जा रहे हैं और जो तमाम समर्थक हैं प्रमुख नेताओं के, वो अब से कुछ देर पहले नारेबाजी भी कर रहे थे कि उनका सीएम वही हो जिसको वो चाहते हैं, लेकिन इन कयासों के बीच जो कई प्रमुख नाम, मनोज सिन्हा का नाम लिया जा रहा है, केशव प्रसाद मौर्य का नाम लिया जा रहा है, तो आपको लगता है कि आम सहमति बन गई है, ये सिर्फ औपचारिकता पर है? बस आपको 5 बजे के बाद पता चल जाएगा पूरी बात। हम लोग आए हैं और 5 बजे के बाद आपको पूरी बात की जानकारी हो जाएगी। 2 घंटा वेट करिए आप। रोमी सानी के लिए अब क्या प्राथमिकताएं क्या होगी? मेरी प्राथमिकता ये है, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, 137 पलिया विधानसभा लखीमपुर खेरी से, मेरे क्षेत्र में बहुत गरीबी है, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं, एक बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या है वहाँ, और वहाँ पर गरीबी बहुत है, गरीब लोग झोपड़ियों में रहते हैं, उनके आवासों की समस्या है, और मैं चाहता हूँ ये समस्याओं का समाधान तभी होगा जब हमारे जहाँ से मैं आता हूँ उसको जिला बनाया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है मेरी विधानसभा। ये प्राथमिकताएं हैं, सरकार में किस तरीके की भूमिका दिख रहे हैं, अगर मंत्रिमंडल में आपको जगह दी जाए? नहीं, मैं अभी तो विधायक हूँ और जैसा पार्टी का निर्देश होगा मैं उसी के हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर जो तमाम विधायक हैं बीजेपी के, वो इस बैठक में भाग लेने के लिए पहुँचने शुरू हो गए हैं, और जिस तरीके से रोमी सानी जो कि पलिया से विधायक हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि 5 बजे के बाद जो तस्वीर है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी कि यूपी का सीएम कौन होगा। कैमरामैन मिन्हाज के साथ अविनाश सिंह, समाचार प्लस लखनऊ। और अविनाश सिंह का ही हम रुख करेंगे जो लोक भवन में मौजूद हैं इस वक्त, जहां बस अब घंटे भर बाद विधायक दल की बैठक शुरू होनी है, तो अविनाश से और अपडेट लेते हैं। तो अविनाश जरा बताएं किस तरह की गहमा गहमी है, विधायक यहां पहुंच चुके हैं लगभग सब? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, और तकरीबन 1 घंटे बाद कह सकते हैं कि जो विधायक दल की मीटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, और जो असमंजस की स्थिति अभी तक बनी हुई थी कह सकते हैं कि वो तस्वीर भी काफी हद तक साफ हो जाएगी कि अब यूपी का अगला सीएम कौन होगा। हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य भी जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका, और क्या माना जाए कि सिर्फ औपचारिकताएं भरे आप? देखिए, जब मुख्यमंत्री के चेहरे का निर्णय संसदीय बोर्ड और केंद्रीय नेतृत्व के पास पहले से ही सर्वाधिकार सुरक्षित है, तो उस पर किसी प्रकार की क्रासबाजी लगाना हम समझते हैं उचित नहीं है। और अब तो वो घड़ी भी नजदीक आ गई है जब संसदीय बोर्ड केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा तय किया गया चेहरा अभी सबके सामने आएगा, और जो भी चेहरा आएगा वो बहुत ही लोकप्रिय होगा और उत्तर प्रदेश के लिए एक अच्छा चेहरा होगा। योगी आदित्यनाथ का नाम भी आ रहा है जी। मौर्य जी, चलिए ठीक है, तो आपने सुना स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना, इन्होंने हालांकि कह सकते हैं उत्सुक है, और हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और विधायक सब तय करेंगे वही होगा। क्या लगता है कि आप लोग के बीच से भी कोई चेहरा ऐसा हो सकता है? कोई भी भारतीय जनता पार्टी में कोई भी एक सामान्य कार्यकर्ता भी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है, कार्यकर्ता बनेगा जो भी बनेगा। जी बिल्कुल, तो अविनाश यहाँ पर अभी नाम कोई भी नहीं बोल रहा है जुबान से, जाहिर सी बात है कि डिसिप्लिन में काफी रहना है, अनुशासनहीनता नहीं दिखानी है, तो ऐसे में ये हम सब जान रहे हैं कि नाम फाइनल हो चुका है लेकिन औपचारिकताएं पूरी करना भी जरूरी है। तो ऐसे में 5 बजे विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक के बाद वो नाम घोषित किया जाएगा जो यूपी का अगला मुख्यमंत्री होगा। तो अविनाश, अभी जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य भी यहां पहुंचे हैं, तो मुख्यमंत्री को लेकर तो है ही खैर अविनाश, लेकिन इसके अलावा जो कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे होंगे वो भी बड़ा सवाल है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, खुद बीएसपी से बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हें भी एडजस्ट करना होगा या इनकी भी जो उम्मीदें हैं उन्हें भी पूरा करना होगा।
देखिए, जहां तक सवाल प्रिया कैबिनेट का है, तो जाहिर तौर पर जो खबरें अभी तक आ रही हैं शंकर, उसमें से ये कहा जा रहा है कि जब कल 2:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसमें तकरीबन 22 से 24 विधायकों को मंत्री पद की शपथ भी दिलाई जा सकती है, जिसमें कि स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है, क्योंकि ये देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी सरकार में कद्दावर मंत्री हुआ करते थे, दूसरे नंबर के नेता माने जाते थे, और जब उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी तो कहीं ना कहीं माना गया कि उनके साथ डीएसपी का एक बड़ा धड़ा टूटकर उनके साथ आया था, और यही जब रिजल्ट आया, चुनाव का परिणाम आया, उसमें कहा गया कि हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो अपना जनाधार था अपने क्षेत्र में और एक खास वर्ग में, उसका भी फायदा बीजेपी को मिला। इसके अलावा रीता बहुगुणा जोशी, जो कि कांग्रेस की कद्दावर नेता हुआ करती थी, जो लखनऊ कैंट से चुनाव जीत कर आई है, उनका भी नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। साथ में संगीत सोम, जो कि सरधना से दूसरी बार विधायक बने हैं, हालांकि विवादित भी रहे हैं, जो कई जो दंगे हुए उसमें ही उनका नाम था। तो ऐसे तमाम चेहरे हैं जिनका नाम कैबिनेट में लिया जा रहा है। हालांकि ये देखिए, जिस तरीके से जैसे ही चुनाव परिणाम आया था, उसके बाद जिस तरीके से लॉबिंग शुरू हुई थी दिल्ली में, तमाम जो यहाँ के विधायक थे कई दिनों तक वहां पर डेरा डाले रहे, तो जाहिर सी बात है कि हर कोई कैबिनेट में शामिल होना चाहता है, और एक पूरी कह सकते हैं कि लंबी लाइन है, 325 विधायक चुनकर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो जाहिर सी बात है कि भाजपा के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि किसको कैबिनेट में जगह दी जाए। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन जी बिल्कुल अविनाश, क्योंकि हमने कल उत्तराखंड में ये स्थिति देखी जो आज उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, कल इस वक्त उत्तराखंड में भी गहमा गहमी थी, विधायक दल की बैठक हुई और उसके बाद नाम का ऐलान हुआ। तो अविनाश, इस बार स्थिति अलग इसलिए है क्योंकि केंद्र लगातार निगरानी बनाए हुए है, प्रचंड बहुमत मिला है, तो ऐसे में विधायकों के टूटने का खतरा भी नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि जो फैसले लिए जाएंगे उसके खिलाफ आवाज बहुत कम उठेगी, क्योंकि केंद्र अगर किसी को चुन रहा है तो केंद्र के खिलाफ आवाज उठाने की कोई यहां पर हिमाकत नहीं करेगा या जोखिम नहीं लेना चाहेगा? देखिए, उसकी गुंजाइश यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखती है। हालांकि एक तस्वीर आज दिखी थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, जब जहाँ पर आदित्यनाथ योगी और केशव प्रसाद के कुछ समर्थक वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, और वो लगातार उन्होंने 2 से 3 घंटे तक वहाँ पर नारेबाजी की। दोनों नेताओं के समर्थक ये मांग कर रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य और आदित्यनाथ योगी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन चूंकि सब कुछ निर्भर करता है केंद्रीय नेतृत्व पर कि केंद्रीय नेतृत्व ने किसको चुना है, और ये देखिए बिल्कुल साफ हो चुका है कि सिर्फ औपचारिकता भर बाकी है कि यहाँ पर नाम का ऐलान किया जाएगा, विधायकों के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा, और फिर उस प्रस्ताव पर सारे विधायक अपनी सहमति जताएंगे, तो औपचारिकता पर बाकी है। जहां तक सवाल है कि उस पर उंगली उठाने की या फिर उस पर सवाल खड़े करने की, तो इसमें कह सकते हैं कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं है। और बार बार जिन नेताओं का आपने देखा होगा, जिन नेताओं का भी नाम सामने आया है, चाहे मनोज सिन्हा की बात करें, केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, सभी नेताओं ने सिरे से इस बात को खारिज किया है कि मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं हूँ। तो देखिए, कोई भी कह सकते हैं कि अभी अपने पत्ते खोलना नहीं चाहता है, लेकिन साथ में दबी जुबान में यह भी बात चल रही है कि अंदर से कुछ नेता हैं जो अपने लिए लॉबिंग जरूर कर रहे हैं, लेकिन फैसला सब कुछ कर सकते हैं कि संघ के साथ साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, और जो गिने चुने जो नेता हैं उनको करना है, और वो फैसला अब हो चुका है। बिल्कुल अविनाश, क्योंकि हसरत भले ही दिल में हो, लेकिन उस हसरत को जुबान पर नहीं लाएंगे, जैसा कि हमने कहा जोखिम भरा हो सकता है। तो ये बताएं अविनाश, अपने कर्तव्यों को समझ रही हूं और उसे पूरा करने का पूरा प्रयास करती रहूंगी। क्या लगता है मुख्यमंत्री भी आपके बीच का ही कोई होगा, कितनी खुशी है इसका? हाँ, हमारे बीच का ही होगा, क्योंकि सभी प्रत्याशी बहुत परिश्रम से यहाँ तक पहुँचे हैं और सभी में योग्यता है, तो हम समझते हैं कि सबको अवसर दे के ही, पार्टी सोच समझ के ही अपना मुख्यमंत्री चुनेगी। तो अमित जी से विधायक, तो इनका साफ तौर पर कहना है कि सोच समझ कर ही अपना नेता चुना जाएगा, जैसा कि अविनाश भी बता रहे हैं, और ये हम देख भी रहे हैं तस्वीर कि कोई भी ऐसा स्वर सुनाई नहीं दे रहा है जिससे लगे कि केंद्र जो फैसला ले रहा है किसी में कोई यहां पर उसको लेकर नाराजगी है, क्योंकि स्थिति अभी ऐसी बन चुकी है कि नेतृत्व बहुत ज्यादा अनुशासन प्रिय है, या फिर यूं कहे कि केंद्र यहां पर किस तरह से लोगों को बैरेज कर रहा है कि कोई आवाज नहीं उठाना चाहेगा। और एक और बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है, उत्तराखंड की ही तरह वही बातें यहां भी लागू होती है कि विधायकों की भरमार है, ऐसे में अगर कुछ लोग नाराज हो भी जाते हैं तो बहुत ज्यादा। देखिए, उत्साहित तो हम लोग उसी दिन से हैं जिस दिन 325 सीटें हमारी झोली में आई थी, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो विश्वास जगह है भारतीय जनता पार्टी में, उसको देखकर हम लोगों का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया है। आज मुख्यमंत्री भी आपके बीच का ही कोई चुनने जाने वाला है, उसको लेकर कितना उल्लास है मन में? बहुत उल्लास है, खुशी है भाई, बहुत खुशी है, क्योंकि हमारी सरकार बन रही है, उसके मुख्यमंत्री का निर्णय होगा, तो डेफिनेटली खुशी तो है।
आपके दिमाग में कोई नाम है? जो भी नाम है चिंता मत करिए, अभी एक घंटे में सस्पेंस खत्म हो जाएगा। अभी बताने का मतलब है कि सब किरकिरा हो जाएगा, वेट करिए आप लोग। सही ना रहा हो, लेकिन उनकी पत्नी के सियासी करियर को परवान जरूर चढ़ा गया। तो जिस तरह से खुलकर अपने पति के समर्थन में आई, जो बीजेपी बैकफुट पर जा रही थी उसको फ्रंट फुट पर ले आई स्वाति सिंह, जो हमले उन्होंने मायावती पे किए, तो उसके बाद इनके बोलने की शैली और इनके रुख को देखकर पार्टी ने इन्हें टिकट दिया, तो इन्होंने भी जीत कर दिखा दिया है। तो ऐसे में एक तेज तर्रार चेहरा पार्टी का, महिला चेहरा स्वाति सिंह बन चुकी है, जो कि संभावित राज्य मंत्री की सूची में भी शामिल है। तो हो सकता है इनको भी कोई ओहदा यहाँ पर मिल जाए। तो लोक भवन की तस्वीर आप देख रहे हैं लखनऊ से, जहाँ बस अब थोड़ी ही देर बाद 5 बजे से बैठक शुरू होने वाली है। तो विधायक लगभग यहां पर सब पहुंच चुके हैं और इस बैठक में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर औपचारिक ऐलान होगा। तो बस इंतजार अब कुछ ही देर का है और इसके बाद तस्वीर पूरी तरह साफ होगी, लेकिन फिर चर्चा होगी इस बात पर कि आखिर कैबिनेट में वो कौन कौन से चेहरे हैं जो नजर आएंगे। तो यहाँ पर हर कोई जानने की कोशिश कर रहा है नाम कौन सा होगा, हालांकि बीजेपी नेताओं को पता जरूर है लेकिन उसका खुलासा नहीं कर रहे हैं। तो आइए बातचीत आपको सुनाते हैं बीजेपी के एक ऐसे नेता से। यूपी में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी को अब तलाश है सीएम पद के उम्मीदवार की। ऐसे में जो प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य जी हैं वो भी इस दौड़ में हैं और इलाहाबाद की जनता का ऐसा मानना है कि सीएम जो बने वो केशव प्रसाद मौर्य जी बने। केशव प्रसाद मौर्य जी के सुपुत्र बड़े योगेश जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अभी आपको क्या लगता है कि सीएम की दौड़ में कई लोग हैं, मनोज सिन्हा जी हैं, केशव जी हैं और भी योगी आदित्यनाथ जी की भी बातचीत चल रही थी, ऐसे में अगर आपके पिताजी को चुना जाता है तो क्या कैसा रहेगा? किसी को भी चुना जाए, बस जनता के हित में सब काम करें। कोई सत्ता की चाह में ये कार्य, मतलब कि सीएम बन गए तो मतलब कि एक सत्ता का नशा ना चढ़े किसी को, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करे कोई भी चुना जाए और जनता के हित में काम करे, मैं यही चाहता हूँ बस। अच्छा, सीएम को लेकर कुछ ऐसी बातें हुई हों या आपने कहा हो पिताजी आप सीएम बने या उन्होंने ऐसा कुछ कहा हो? मेरी पॉलिटिकल बातें बहुत कम होती हैं, मैं थोड़ा सा मोदी जी का ज्यादा फैन हूँ तो बस उनसे देर पैर और दबाता हूँ पापा के, तो केवल मोदी जी के बारे में पूछा करता हूँ उनका व्यक्तित्व कैसा है, वो कैसा है। थोड़ा सा मुझे अंदर से चाह है, मैं मिलना चाहता हूँ मोदी जी से एक बार, और मेरे मतलब कि बहुत कह दीजिए सुपर हीरो से भी ऊपर हैं, तो उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है। बाकी और कोई पॉलिटिकल बात मेरी नहीं होती उनसे। तो ये थे केशव प्रसाद मौर्य जी के सुपुत्र, इनकी चाह जरूर है कि अगर सीएम पद की जिम्मेदारी उनको मिलती है तो पूरी तरीके से निर्वहन करेंगे, लेकिन ये पूरा पार्टी नेतृत्व के जो बड़े हाई कमांड लेवल के नेता हैं वो तय करेंगे। इलाहाबाद से रविंद्र कुमार, समाचार प्लस। ज्यादा तो सबकी जुबान पर बस एक ही बात है कि जो आला कमान तय करेगा उस पर ही हर किसी को अपनी सहमति देनी होगी। तो बहुत कम वक्त बचा है, सस्पेंस खत्म होने वाला है, तो ऐसे में संभावित राज्य मंत्री कौन कौन से हैं वो भी समाचार प्लस आपको बता रहा है और दिखा रहा है। देख सकते हैं आप राधा मोहन दास अग्रवाल संभावित राज्य मंत्री की सूची में, पंकज सिंह जो राजनाथ सिंह के बेटे हैं वो भी सूची में, नंदगोपाल गुप्ता नंदी जो कभी बीएसपी में भी एक मंत्री का पद संभाल चुके हैं, ब्रजेश पाठक ये भी संभावितों की सूची में शामिल हैं। इनके अलावा स्वाति सिंह पहली बार विधायक चुनकर आई हैं और तेज तर्रार महिला, गरिमा सिंह राजघराने से हैं, संजय सिंह की पहली पत्नी हैं ये भी जीत कर आई हैं, वहीं अलका राय ये भी संभावित राज्य मंत्रियों की सूची में शामिल हैं, फतेह बहादुर सिंह इनको भी यहाँ पर राज्य मंत्री बनाया जा सकता है, कुंवर ब्रजेश सिंह। तो नाम लगातार समाचार प्रेस आपको दरअसल बता रहा है कि कौन कौन से लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। संदीप सिंह ये भी राज्य मंत्रियों की दौड़ में शामिल है, नाम में शामिल है। हरिशंकर माहौर, योगेंद्र उपाध्याय, सुनील दत्त द्विवेदी, तो ये कुछ नाम हम आपको बता रहे हैं जो राज्य मंत्री के दौर में शामिल हैं। वेद प्रकाश गुप्ता का नाम भी इस फेहरिस्त में आता है, संभावितों की सूची में आता है। अनिल राजभर और अशोक चंदेल, तो अब दारा सिंह चौहान अभी कैबिनेट मंत्री हैं जो कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं उनके नाम बता रहे हैं। तो चौधरी लक्ष्मी नारायण,
जगन प्रसाद गर्ग। तो आप इसमें भी देखिए कहीं ना कहीं संतुलन साधने की पूरी पूरी कोशिश यहाँ पर की जाएगी अगर ये नाम वाकई में मुहर इन पर लगती है। धर्मपाल सिंह के कैबिनेट मंत्री बता रहे हैं हम आपको, संभावित कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री, इनके अलावा श्रीराम चौहान, बैजनाथ रावत कैबिनेट मंत्री हैं जो बन सकते हैं कैबिनेट मंत्री की सूची में जिनका नाम है, और अपना दल के डॉक्टर आर के वर्मा, सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के श्रीकांत शर्मा। हालांकि इनको लेकर शुरू में कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल है लेकिन फिलहाल अब नाम इनका नहीं है। वहीं संगीत सोम, बीजेपी विधायक सतीश महाना, कद्दावर नेता ये भी बीजेपी के सिद्धार्थनाथ सिंह, तो केंद्रीय राजनीति में अक्सर आप इनको देखते हैं, वो चेहरे हैं। सूर्य प्रताप शाही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं तो इनका नाम भी शामिल है। वहीं एसपी सिंह बघेल, आशुतोष टंडन, लालजी टंडन के पुत्र हैं, रीता बहुगुणा जोशी जो कांग्रेस को छोड़कर शामिल हुई हैं बीजेपी में और लखनऊ कैंट से अपर्णा यादव को हराकर चुनाव जीता है, और बीएसपी के कद्दावर नेता थे स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, इनका नाम भी इस दौड़ में है। तो तस्वीरें फिलहाल सीधी लोक भवन से इस वक्त हमारे दर्शकों के साथ। ओम माथुर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी तो अब यहाँ पहुंचने लगे हैं, तमाम विधायक तमाम नेता, और बस अब थोड़ी ही देर में यहाँ नाम का औपचारिक ऐलान। विधायक दल की बैठक के बाद, विधायक दल की बैठक के बाद बात करूँ, विधायक दल की बैठक के बाद विधायक दल की बैठक की प्रतीक्षा करिए। विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है, 5 बजे का वक्त दिया गया इस बैठक के शुरू होने का, और इसके बाद यह साफ हो जाएगा कि आखिर यूपी का अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। तो कुछ नाम दौड़ में जरूर शामिल है वो भी हमने आपको बताए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि सबसे आगे मनोज सिन्हा का नाम यहां पर चल रहा है, तो यहां इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी दौड़ में शामिल था। तो अब बस इंतजार थोड़ी ही देर का है, उसके बाद जो भी अटकलें हैं जो भी कयास है सब पर विराम लग जाएगा और एक नाम जो सामने होगा वो वाकई में यूपी का अगला मुख्यमंत्री होगा। यूपी में सीएम का नाम भले तय नहीं हुआ हो लेकिन सीएम के शपथ ग्रहण समारोह का समय और तारीख तय हो चुकी है। कल 19 मार्च को दोपहर 2:30 बजे लखनऊ के स्मृति उपवन में जो उत्तर प्रदेश के जो सीएम है उनके शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। आज जब बीजेपी विधायक दल की जो बैठक होनी है उसके लिए जो केंद्रीय पर्यवेक्षक वेंकैया नायडू यहां पे पहुंचे, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि जो तय समय है कल 19 मार्च का और वो 2:30 बजे यहां पे शपथ समारोह आयोजित किया जाएगा। मैं अभी देखिए पीछे दिखाना चाहूंगा स्मृति विधायक दल की बैठक के बाद
करिए। जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। आप देख सकते हैं लोकभवन में बैठक है आज और मुख्यमंत्री की सुरक्षा आप हमारे कैमरे में देख सकते हैं आ गई है। सीएम सिक्योरिटी लोकभवन में पहुंच रही है और नए मुख्यमंत्री का आज लोकभवन में ऐलान होना है। वहीं दूसरी तरफ सीएम सिक्योरिटी का आज ही पहुंच जाना, भले ही मुख्यमंत्री की घोषणा अभी हो जाएगी लेकिन शपथ ग्रहण कल होगा, लेकिन सीएम सिक्योरिटी जो मुख्यमंत्री की गाड़ी हुआ करती थी आप देख सकते हैं यही वो गाड़ी अखिलेश यादव इस गाड़ी से चलते थे और ये वही सुरक्षा है। आज वक्त बदला, समय बदला और एक बार फिर से ये आज यहाँ घोषणा सीएम की होने जा रही है। उसी दौरान ये सीएम सिक्योरिटी लोकभवन में पहुंच चुकी है, भले ही कल शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री का हो। कैमरामैन मिनहाज के साथ संकेत मिश्रा, समाचार प्लस, लखनऊ। जी हाँ, तो औपचारिक तौर पर जो उत्तर प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिलेगा वो कल शपथ ग्रहण के बाद मिलेगा, लेकिन सीएम सिक्योरिटी वहां पर पहुंच चुकी है। हमारे संवाददाता संकेत मिश्रा अभी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। तो ऐलान आज हो जाएगा लेकिन औपचारिक तौर पर यूपी के मुख्यमंत्री वो कल शपथ ग्रहण के बाद बनेंगे जब राज्यपाल उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। फिलहाल इससे पहले जो बाकी तैयारियां वो हो रही है, सीएम की जो सिक्योरिटी होती है, मुख्यमंत्री की जो सुरक्षा में जो दस्ता होता है, जो काफिला होता है गाड़ियों का, वो फिलहाल पहुंच चुका है। वो तस्वीरें आपने देखी और ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भवन के जो विधायक यहां पहुंचे हैं बैठक के लिए, तो उनका कुछ इस तरह से पारंपरिक तरीके से स्वागत किया जा रहा है। लगभग आधा घंटा आप कह सकते हैं जब मीटिंग यहां बस शुरू होने वाली। लखनऊ में बीजेपी विधायक दल की बैठक अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है और इस मीटिंग में भाग लेने के लिए जो तमाम विधायक हैं जो चुनकर आए हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ पलिया से विधायक रोमी सानी हैं। सर ये बताइए, तमाम कयास लगाए जा रहे हैं और जो तमाम समर्थक हैं प्रमुख नेताओं के वो अब से कुछ देर पहले नारेबाजी भी कर रहे थे कि उनका सीएम वही हो जिसको वो चाहते हैं, लेकिन इन कयासों के बीच जो कई प्रमुख नाम, मनोज सिन्हा का नाम लिया जा रहा है, केशव प्रसाद मौर्य का नाम लिया जा रहा है, तो आपको लगता है कि आम सहमति बन गई है, ये सिर्फ औपचारिकता पर है? बस आपको 5 बजे के बाद पता चल जाएगा पूरी बात। हम लोग आए हैं और 5 बजे के बाद आपको पूरी बात की जानकारी हो जाएगी। 2 घंटा वेट करिए आप। रोमी सानी के लिए अब क्या प्राथमिकताएं क्या होगी? मेरी प्राथमिकता ये है, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ 137 पलिया विधानसभा लखीमपुर खेरी से, मेरे क्षेत्र में बहुत गरीबी है, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं, एक बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या है वहाँ और वहाँ पर गरीबी बहुत है, गरीब लोग झोपड़ियों में रहते हैं, उनके आवासों की समस्या है और मैं चाहता हूँ ये समस्याओं का समाधान तभी होगा जब हमारे जहाँ से मैं आता हूँ उसको जिला बनाया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ा क्षेत्र है मेरी विधानसभा। ये प्राथमिकताएं हैं, सरकार में किस तरीके की भूमिका दिख रहे हैं अगर मंत्रिमंडल में आपको जगह दी जाए? नहीं नहीं, मैं अभी तो विधायक हूँ और जैसा पार्टी का निर्देश होगा मैं उसी के हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर जो तमाम विधायक हैं बीजेपी के वो इस बैठक में भाग लेने के लिए पहुँचने शुरू हो गए हैं और जिस तरीके से रोमी सानी जो कि पलिया से विधायक हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि 5 बजे के बाद जो तस्वीर है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी कि यूपी का सीएम कौन होगा। कैमरामैन मिन्हाज के साथ अविनाश सिंह, समाचार प्लस, लखनऊ। यूपी में सीएम का नाम भले तय नहीं हुआ हो लेकिन सीएम के शपथ ग्रहण समारोह का समय और तारीख तय हो चुकी है। कल 19 मार्च को दोपहर 2:30 बजे लखनऊ के स्मृति उपवन में जो उत्तर प्रदेश के जो सीएम है उनके शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। आज जब बीजेपी विधायक दल की जो बैठक होनी है उसके लिए जो केंद्रीय पर्यवेक्षक वेंकैया नायडू यहां पे पहुंचे, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि जो तय समय है कल 19 मार्च का और वो 2:30 बजे यहां पे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। मैं अभी देखिए पीछे दिखाना चाहूंगा, स्मृति उपवन का जो सामने आप देख पा रहे हैं मुख्य मंच है, एक मंच बनाया जा रहा है। पहले कहा जा रहा था कि 2 अलग अलग मंच तैयार किए जा रहे थे जिसमें एक मंच पर राज्यपाल और जो मुख्यमंत्री जिनको शपथ दिलाया जाना था, बाकी जो कैबिनेट के लोग हैं उनको शपथ दिलाई जानी थी, एक मंच उनके लिए तैयार किया जाता और दूसरा चूंकि प्रधानमंत्री मोदी यहां पर मौजूद रहेंगे शपथ ग्रहण समारोह में, ऐतिहासिक मौका है बीजेपी के लिए, तो एक मंच प्रधानमंत्री के लिए तैयार होना था, लेकिन एसपीजी से जो लखनऊ पुलिस के जो अधिकारी हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी जो बातचीत हुई है उसके बाद ये तय किया गया कि एक ही मंच बनाया जाएगा और ये सामने जो देख पा रहे हैं मुख्य मंच है, 8 फीट ऊंचा ये मुख्य मंच तैयार किया जा रहा है और उसके मंच के जो बाएं तरफ आप जो देख पा रहे हैं
मंच के बाएं तरफ जो जो व्यवस्था की गई है, जो नए जो जो कैबिनेट मंत्री बनाए जाने वो वहां पे बैठेंगे। 10 मुख्यमंत्रियों के आने की यहां पे बात हो रही है। जो जो पड़ोसी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों को भी न्योता दिया गया और कुछ राज्यों के राज्यपाल भी यहां पे इसमें शिरकत करेंगे। तो उसको देखते हुए सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए और बीजेपी भी पूरे इंतजाम, जो बीजेपी के पदाधिकारी इस पूरे इंतजाम को अमली जमा पहनाने में लगे हुए हैं। लखनऊ से कैमरामैन दीपक श्रीवास्तव के साथ हरेंद्र चौधरी, समाचार प्लस। जी हाँ, तो बस अब कुछ ही पलों का इंतजार और नाम यहां पर साफ हो जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य भी इस दौड़ में आगे बताए जा रहे हैं, हालांकि अब धीरे धीरे लगता नहीं कि वो आगे बन पाएंगे। तो उनसे यहां पर बातचीत की तो उनका कहना है कि बैठक का इंतजार कीजिए, लेकिन उनके बेटे से भी इस बारे में बातचीत की गई कि क्या आखिर वो चाहते हैं कि उनके पिता मुख्यमंत्री बने या फिर कुछ और। सुनते हैं बातचीत के कुछ अंश। यूपी में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी को अब तलाश है सीएम पद के उम्मीदवार की। ऐसे में जो प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य जी हैं वो भी इस दौड़ में हैं और इलाहाबाद की जनता का ऐसा मानना है कि सीएम जो बने वो केशव प्रसाद मौर्य जी बने। केशव प्रसाद मौर्य जी के सुपुत्र बड़े योगेश जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अभी आपको क्या लगता है कि सीएम की दौड़ में कई लोग हैं, मनोज सिन्हा जी हैं, केशव जी हैं हमारे साथ, एक मिनट मेरे भाई, हमारे साथ हैं अमेठी से विधायक हैं रानी गरिमा सिंह, हम उनसे बात करते हैं। आप पहली बार विधायक चुनी गई हैं, क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी जी, किस तरह की प्राथमिकता रहेगी आपकी? जनता की कष्ट को दूर करना मेरी प्राथमिकता रहेगी जी। और जिस तरह से जिन परिस्थितियों में आप चुनाव जीते हैं उस पर कुछ कहना है कि एक जनता ने न्याय किया है इस बार, जनता ने आपके साथ इस बार न्याय किया है जिन परिस्थितियों में आप चुनाव जीते हैं, आप लोग सब लोग साथ ही पूछ मैं जी, जिन परिस्थितियों में आप चुनाव जीती हैं क्या लगता है? परिस्थितियां बहुत कठिन थी लेकिन हमारे परिश्रम ने, जनता के परिश्रम ने और सच्चाई ने असत्य को दबा दिया। जिस तरह से आपके वहां पे माहौल बना, एक आपको काफी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी शुरू में भी,